समीर खान हमारे साथ बन गए हैं। समीर, इंदौर की बात करें, मालवा रीजन की बात करें, काफी महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है, क्योंकि इस बार तो यहीं से सीएम भी आए हैं, यहीं से कैलाश विजयवर्गीय नगरी प्रशासन मंत्री भी आए हैं, और इंदौर के आसपास की हम धार सीट की बात करें, उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें, कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, रतलाम की बात करें। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 80 दिन बाद परिणाम। समीर जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपने 80 दिन जो आंकड़े आंकड़ा लगाया है कि 80 दिन के बाद परिणाम, मतलब 80 दिन बाद सरकार बन जाएगी, और उसको लेकर पूरी तैयारियां हम ये कहें कि खासकर अगर इंदौर मालवा की बात करें तो यहाँ से आपने बताया जिस तरह से कि मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं मोहन यादव, तो उनके लिए भी चूंकि ये पूरा की पूरा इलाका, हालांकि पूरे मध्यप्रदेश से, उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि जो पिछली बार जिस तरह से चुनाव परिणाम आए थे, लोकसभा के एक सीट छिंदवाड़ा की छोड़कर तमाम सीटों पर जो है भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो इस बार भी उन्हें जो है कुछ करिश्मा दिखाना होगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में इस बार चुनाव हो रहा है मध्यप्रदेश का। खासकर इस बार जो है मालवा निमाड़ की बात करें तो यहीं से कांग्रेस के भी दिग्गज आते हैं, जीतू पटवारी इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, धार का आपने जिक्र किया, उमंग सिंघा जो नेता प्रतिपक्ष है, आदिवासियों का जो चेहरा है वो धार से आते हैं। तो हम ये कहें कि मालवा निमाड़ जो है मध्यप्रदेश की राजनीति के जो दोनों सिरमौर है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा के जो आला नेता है, उन्हीं का गढ़ है। और कैलाश विजयवर्गीय की जिस तरह से आपने बात की है, तो कैलाश विजयवर्गीय को जो है इस बार जबलपुर और छिंदवाड़ा जो है हम ये कहें उस इलाकों का जो है प्रभार दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय वहीं के जो है प्रभारी हैं, तो अपना ज्यादातर समय वहां दे रहे हैं, लेकिन इंदौर चूंकि मालवा निमाड़ से वो आते हैं तो यहाँ भी उनका जो है वक्त पार्टी को मिल रहा है। और हम ये कहें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तैयारियों में जुट गई है चुनाव की। ये अलग बात है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभी पूरी तरह से तय नहीं हो पाए और भाजपा के उम्मीदवार जो है तय हो गए। आनंद फानंद में आज भी जो है इंदौर नगर निगम ने भी जो है अपनी हम ये कहें मेयरिंग काउंसिल की बैठक ली। इंदौर के जो सांसद हैं, जिन्हें सांसद का टिकट मिला है, शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण पहुंचे थे, उन्होंने वहां समीक्षा बैठक की। जिस तरह से एक पार्टी के चुनाव कार्यालय का भाजपा का उद्घाटन वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव कर चुके हैं, और दूसरा जो विधानसभा वाइज जो पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है भाजपा का, उसकी शुरुआत भी जो है आज से भाजपा करने जा रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में अब से कुछ देर के बाद जो है भाजपा के जो पार्टी कार्यालय है विधानसभा का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब साफ है चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गए, और दोनों अपनी अपनी तरह से जो है मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आज इंदौर में ही है, उनके द्वारा भी कुछ देर पहले जो है मीडिया में बयान दिया गया, बात की गई, और उन्होंने कहा कि जो है जैसे इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की घोषणा करेगा उसके बाद एक बम फूटेगा। मतलब दिग्विजय सिंह अपने बयानों को ले जिस तरह से जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया। तो हम ये कहें कि राजनीतिक बिसात जो है बीत चुकी है, मालवा निमाड़ दिग्गजों का जो है गढ़ है, पार्टी जो मध्यप्रदेश के सिरमौर जो पार्टी के नेता है उनका गढ़ है, और दोनों ही अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो है पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरी तरफ दीपक, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया है, तो इंदौर का जो निर्वाचन आयोग है, इंदौर आसपास के जितने भी निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार जो है बैठकें हो रही थी, लगातार ट्रेनिंग हो रही थी, और मार्च पास्ट जिसे कहते हैं उसकी तैयारी इंदौर कमिश्नर के द्वारा की गई है। पुलिस का जो एक बड़ा कॉम्बिंग गश्त जो है इंदौर में चुनाव तारीखों के बाद होना है, मतलब कानून व्यवस्था पर भी नजर है, राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है। दीपक,